मैंने भर मांगा है ना ऊपर मरूंगा ना नीचे का, ना ऊपर है ना नीचे है, मैंने अपने जांघ को उठाकर उसके ऊपर पटक रखा है, ना धरती पे ना आसमान। मैंने भर मांगा है ना दिन में मरूंगा ना रात में, भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, दिन पूर्ण हो गया रात शुरू नहीं हुई, ये संधि वेला है, संध्या काल है, मुझे नहीं मार सकते। क्यों? कहा मैंने वर मांगा है कि मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में से न मरूं। भगवान ने कहा तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, अरे हर 4वें साल आ जाएगा, लोग इसे पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से जाना करेंगे। कांप गया, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वर मांगा है मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से न मरूं। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को पैदा करता हूं प्यारे। अरे बाप रे, फिर भी नहीं मार सकते, न मैं मनुष्य से मरूंगा न पशु से। भगवान ने कहा आंख खोल कर देख, मनुष्य हो कि पशु, नीचे से मनुष्य ऊपर से पशु, आधा नर आधा सिंह। अरे बाप रे बाप, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते, मारोगे कैसे? मैंने वर मांगा है ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा मच्छर को मारने के लिए तोप उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, हमारे नाखून ही काफी है। इतना कह करके पेट में डालकर फाड़ दिया। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। महाराज भागवत कार कहते हैं अतड़ियों को निकालकर माला पहन लिया। एक संत ने इस पर भी लिखा क्यों अतड़ियों की माला पहनी। भाव को छोड़ दे, मैं आज के संदर्भ में कहूं तो भगवान ने सोचा जिस हिरणकश्यपु ने इतने बड़े भक्त को पैदा किया है इसके डीएनए को सुरक्षित रख लेना चाहिए, प्रयोगशाला में रख लेंगे, बाद में परीक्षण होगा भाई कौन सी बात थी कि प्रहलाद जैसा महाभाग प्रकट हुआ। उसकी अतड़ियों को सुरक्षित रख लिया, माला पहन लिया, अतिशय क्रोध है, आकर सिंहासन पर बैठ गए। क्यों बैठे? क्या इस पर प्रहलाद को बिठाना है? दुष्ट के सिंहासन पर बैठाऊंगा तो दोष आ जाएगा, और जब मैं बैठ कर बैठूंगा तो प्रहलाद के लिए प्रसाद हो जाएगा हमारा, और प्रसाद में विषाद नहीं होता है। ध्यान से समझेंगे, प्रसाद में विषाद नहीं होता, जो प्रसाद पाते हैं उनके जीवन में कभी कोई विषाद नहीं होता है। सारे लोगों ने, ब्रह्मा ने, नागों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, बैतालों ने, सारे लोगों ने स्तुति करी, क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी भागे भागे मां लक्ष्मी के पास गए, मैया मैया प्रभु ने ऐसा रूप धारण कर लिया, क्रोध शांत नहीं हो रहा, लग रहा प्रलय हो जाएगा। मां लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो, जब भी गुस्सा करते हैं सज करके चलूंगी, एक बार मुस्कुरा दूंगी, सब गुस्सा काफूर हो जाएगा। सज धज करके श्रृंगार करके आई और आकर के मुस्कुराई, भगवान ने घुर्र से किया तो डर के भाग गए, बाप रे बाप, मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये शांताकारम की जगह क्रोधाकारम कहां से प्रकट हो गए। भगवान सुखदेव कहते साक्षात श्री प्रेषिता देवई ही दृष्टवा तन महद अद्भुतम, जब लक्ष्मी जी ने इस महत अद्भुत रूप को देखा, अदृष्टवा पूर्वत्वात, ना सुना है ना देखा है मेरे पति ऐसे हैं, महाराज मैं इनके पास खड़ी नहीं, वो भी भाग गई। अब प्रश्न उठा क्रोध शांत नहीं होगा तो प्रलय हो जाएगा, क्रोध शांत कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा जिसके लिए क्रोध किया है उसी से क्रोध शांत भी होगा, बेटा तुम जाओ। प्रहलाद जी आए, दृश्य देखे, आकर भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए महाराज। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छिष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्त धियाम कृतावयो। जब प्रहलाद जी को अपने चरणों में लेटा देखा भगवान नृसिंह ने, तो संत कहते हैं प्रहलाद जी इतने प्रशांत थे, इतने शांत थे कि प्रहलाद जी के शांति के परमाणु भगवान में प्रविष्ट हो गए, सारा क्रोध काफूर हो गया। जिन आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी उन आंखों से करुणा का जल बहने लगा। प्रहलाद को उठाकर उत्थाप्य अपनी गोद में बिठा लिया। तच्छिष्ण दधात करामभुजम, जिनके हाथ से काल भी भय खाता है उस हाथ को प्रहलाद के सिर पर फेर दिया। काला ही विस्त्रस्त भयम कृता भयम महाराज, और अपनी जिह्वा से लगे चाटने। ये महाराज ये सिंह आदि के प्यार और स्नेह देने का एक रूप है,
गाय अब तो सिर सिंह का है तो दुलार कैसे करें, तो अपने जीव से चाट रहे हैं और चाट रहे और आंसू निकल रहे हैं, ऐसा लिखा है। क्वेदम बपुह क्वचव यह सुकुमार मेतत, भगवान कहते हैं मेरे बेटे का शरीर कितना कोमल है और इस दुष्ट दैत्य ने कितनी प्रताड़ना दी, लेकिन मेरे लाल तुम कभी नहीं घबराए, कभी नहीं घबराए। पहली बार प्रहलाद जी का हृदय थोड़ा सा कांपा, प्रभु आज प्रकट हो जाना इस कमरे से, नहीं प्रकट होगे तो भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। पहली बार डरे थे कि प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, भगवान ने कहा बेटा तुमने पहली बार कहा आज प्रकट हो जाना, और तुम्हारे कहने के बाद यदि एक क्षण का भी विलंब मुझसे हुआ हो तो क्षंतव्य मंग यदि मैं समय विलंब, मेरे लाल मुझे क्षमा कर देना। इतना कहकर भगवान रो पड़े। प्रहलाद जी ने भगवान की आंख के आंसू को पूछा और लिपट कर कहते हैं नहीं प्रभु, नहीं, 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 हम भक्तों को पुकारने में विलंब हो सकता है लेकिन आप जैसे करुणा कर भगवान को आने में विलंब नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा सारी दुनिया इस रूप से डर रही है, तू लिपट गया, तुझे डर नहीं लग रहा, पीछे से पूछ रहे और ये लिपटे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने धीरे से कहा ब्रह्मा जी दुनिया सिंह से डरती है लेकिन सिंह का बेटा थोड़ी सिंह से डरता है, मैं तो भगवान का बेटा हूं, मैं क्यों डरूं अपने प्रभु से। ये भाव है मेरा, भगवान का हृदय आर्द्र है, बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद भद्र भद्रंते प्रीतो हम ते सुरोत्तम, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु लोभ दे रहे हो, मामाम प्रलोभयोत्पत्ति आसक्तम कामेशु तैर्वरई, मांगने का लोभ दे रहे हो। भगवान ने कहा बाप बेटे से कहे कुछ मांग लो तो लोभ होता है। प्रभु जो आपकी भक्ति के बदले में आपसे कुछ चाहते हैं वो भक्त नहीं वह व्यापारी होते हैं। यस्य आशीष आशास्ते न स भृत्या सवई वणिक, और आज का लोग भक्ति कम व्यापार ज्यादा करने आते हैं, मंदिर में गए चढ़ाए महाराज ये काम हो जाए प्रभु ये हो जाए ये हो, ये बिजनेस है कि भक्ति है। क्या भगवान को पता नहीं आपकी समस्या क्या है, सब पता है। आप व्यापार मत करें, आप शुद्ध भक्ति करें, आपके रक्षक भगवान हैं। यदि आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु यह वरदान दे दीजिए कि कभी किसी से कुछ मांगने की कामना आपके इस भक्त प्रहलाद के भीतर जन्म न ले, यही वरदान दे दीजिए। मांगने तो प्रहलाद से सीखे, कभी किसी से मांगने की कामना ही पैदा ना हो। यदि राशिश में कामान बरांस तो बरदर्श। महाराज जब भगवान चलने लगे तो धीरे से पूछा कि मेरे पिताजी की दुर्गति तो नहीं होगी। अच्छा ये भक्त का हृदय है महाराज, जिस बाप ने कोई ऐसी यातना नहीं बची जो बेटे को ना दी हो। होलिका में आग में जलवाया था, होलिका लेकर बैठी थी, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, लेकिन भक्त का हृदय कितना कोमल है। प्रभु बहुत बैर किया है मेरे पिताजी ने आपसे, मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे भक्त को जिस पिता ने जन्म दिया हो, आज से मैं नियम बनाता हूं जिस परिवार में एक वैष्णव हो जाएगा तुम्हारे जैसा महाभागवत होगा उसकी 21 पीढ़ी पहले की और 21 पीढ़ी आने वाली वो मेरे धाम को जाएगी, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। एक कुल में रत्न पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी पहले और आने वाली को तार देता है। भगवान जब चलने लगे तो ब्रह्मा जी सामने दिखे, ऐ ब्रह्मा इधर आओ आए। अच्छा तथास्तु कह के निकलने में आपका क्या लगता है, देखो खंभा पाड़ करके क्या बनना पड़ा। आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत देना, मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेयः पद्म संभवः वरह क्रूर निसर्गाणाम अहिनाम अमृतम यथा। ऐसे दुष्ट को ऐसा वर देना सांप को अमृत पिलाना है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आज के बाद कभी किसी को ऐसा वरदान नहीं दूंगा, और ऐसा वरदान फिर किसी को दिया भी नहीं। किसी ने पूछा कि हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में ढूंढा, भगवान छिपे कहां थे, मिले नहीं। बैकुंठ में गया भगवान को ढूंढते नहीं मिले, क्षीर सागर में गया। बाद में नारद जी ने बताया, इसी प्रार्थना में आया,
कहां छिपे थे? भगवान ने कहा मैं उस हिरण्यकश्यपु के हृदय में ही छिपा था। और जो अभिमानी होते हैं वो दुनिया में ढूंढते हैं, वो कभी सिर झुकाकर हृदय में नहीं ढूंढते। यदि थोड़ी गर्दन नीचे कर लेता तो मैं दिख जाता, लेकिन अभिमानी कभी गर्दन झुकाता नहीं है। किसी शायर ने कहा है दिल के आईने में तस्वीरें यार की है, दिल के आईने में तस्वीरें यार की है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जो गर्दन झुकाने नहीं जानता अपने ही हृदय में बैठे परमात्मा को देख नहीं पाता है। इस रहस्य को भगवान ने खोला, उसी के हृदय में छिपा था, ढूंढा ही नहीं।